नमस्कार, न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां उजियारपुर थाना क्षेत्र के गावपुर पंचायत स्थित योगी चौक के पास शुक्रवार 5 जुलाई 2022 को अंतिम सोमवारी को दलसिंह सराय विशनपुर पथ से होकर गुजरने वाली कांवड़ियों के जथा को लेकर स्थानीय समाज सेवी सहपैक्स अध्यक्ष विद्यानंद सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। आयोजित इस बैठक में उपस्थित दलसिंह सराय एसडीपीओ दिनेश कुमार पांडे तथा अनुमंडलाधिकारी दलसिंह सराय प्रियंका कुमारी ने स्थानीय लोगों से अंतिम सोमवारी के दिन इस रास्ते से गुजरने वाले कांवड़ियों से संबंधित विशेष जानकारी लिया तथा संबंधित प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश भी दिया। बैठक में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए एसडीपीओ दलसिंह सराय दिनेश कुमार पांडे ने कहा कि अंतिम सोमवारी व मुहर्रम पर्व को लेकर शनिवार 6 अगस्त 2022 से 9 अगस्त 2022 तक थाना क्षेत्र की सभी ताड़ी दुकानें बंद रहेंगी। दलसिंह सराय विशनपुर पथ पर संध्या 5 बजे के बाद सभी प्रकार के दो पहिया व चार पहिया वाहनों पर पूरी तरह रोक रहेगी। दलसिंह सराय से लेकर मालती चौक के बीच एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जाएगी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हरेक चौक चौराहों पर मजिस्ट्रेट की बहाली की जाएगी। उपद्रवियों पर ड्रोन कैमरा से नजर रखी जाएगी। ज्ञात हो कि विगत 2 वर्षों से कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से बिहार सरकार के द्वारा सभी प्रकार के धार्मिक राजनीतिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई थी। 2 वर्षों के बाद उत्पथ पर कांवड़ियों के गुजरने की जानकारी के बाद स्थानीय लोग उनकी सेवा के लिए जोर शोर से तैयारी में लग चुके हैं। आपको बता दें कि इस पथ से अंतिम सोमवारी को लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त बेगूसराय के झमटिया से अपने कांवर में जल भरकर समस्तीपुर के थानेश्वर स्थान मंदिर में जल अभिषेक करने के लिए उक्त पथ से गुजरते हैं। मौके पर थानाध्यक्ष उजियारपुर अनिल कुमार, उजियारपुर सीओ अजीत कुमार झा, प्रशिक्षु सीओ पल्लवी कुमारी, पैक्स अध्यक्ष विद्यानंद सिंह, मुखिया अजय कुमार, गौड़ी शंकर सिंह, अर्जुन साहनी, श्रवण पासवान, चंद्रशेखर सिंह चौरसिया, अनिल कुंवर सहित दर्जनों की संख्या में लोग उपस्थित थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए न्यूज 20 बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई चौकीदार या जो है एक यदि नहीं भी दे सके ड्रॉप गेट पे जो है एक रहे कि जो जरूरत हो तो रोक दे उसको। ये हो गया। इसके बाद जो है सब जगह जो है हमारे पास अधिकारी रहेंगे प्रतिनियुक्त, उसके लिए हम लोग जो है और बल की मांग कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था रहेगा, जो बिजली विभाग है उससे भी हम लोग जो है सामंजस्य स्थापित करके उसके लिए व्यवस्था कर लेंगे। पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए, वो मैडम से निवेदन करेंगे सीओ साहब से भी। पानी का जो है पानी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। माइकिंग जैसा कि बताया गया है तो हर जगह जो है वो लोग लगाते हैं, तो माइकिंग होते रहेगा, उसी से जो है उपयोग किया जाएगा। लाइट की व्यवस्था जैसा आप लोगों ने बताया कि लोग स्वयं करते हैं, जनरेटर रहता है वो ठीक है। उसके बाद बड़ी गाड़ियां जो भी हैं वो हम लोग मुफस्सिल थाना से बात कर लेंगे और बिशनपुर के पास वहीं से वो डाइवर्ट करेंगे। शाम से इधर से नहीं आएंगी गाड़ियाँ। मालती चौक से जहाँ से जो आप लोग समस्या बताए हैं वहाँ पर भी हम लोग बल की प्रतिनियुक्ति करेंगे। जो बाहरी शरारती तत्व होंगे उन पर नज़र रखा जाएगा। गाड़ी की कोई भी दुकान जो है वो सवाल ही नहीं है, वो खुलने का उसमें जो है बिल्कुल नियंत्रण रहेगा। और भी पूर्व की जो बातें आप बताए हैं कि जो कुछ हुई हैं उस पर जो है ध्यान रखते हुए बिल्कुल सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था रहेगा। लेकिन आप लोगों के तरफ से भी इसमें सबसे ज़्यादा जो है स्थानीय लोगों का जो है सहयोग आवश्यक है। यदि आप लोग मजबूत रहेंगे तो फिर, क्योंकि आप कुछ बातें बताए हैं कि इतनी भीड़ होती है कि एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में प्रशासन को भी काफ़ी समस्या है, तो फिर वैसी स्थिति में मतलब जो हमारा प्रशासन है जिस जगह वहाँ पे स्थानीय लोगों का सहयोग वो आवश्यक है। अब ये नहीं कि अब कोई यदि योगी चौक में थानाध्यक्ष हैं और कोई बोल रहा है कि महिसारी बाबू पोखर चौक पे बुलाया जाए, तो उस स्थिति में जो पदाधिकारी है उसी को सहयोग करना है, उसके साथ मिल करके। और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग अच्छे से जो है इसको हम जितना मतलब बिल्कुल अच्छे से हैं दोनों पर्व को, मुहर्रम को भी, क्योंकि इसलिए इस पर ज़्यादा बात हो रहा है कि ये तो हमारा
रविवार को है, फिर अगला जो है हमारा मुहर्रम जो है मंगलवार है, और सोमवार को भी कुछ लोग चलते हैं, तो उसको लेकर के भी हम लोग पूरा तैयार रहेंगे। ठीक है, जैसा कल भी हम लोग को जानकारी प्राप्त हुआ, कर हम लोग गलसिंहसराय थाना में चर्चा किए थे, बोलबम समिति के सारे लोग उसमें उपस्थित हुए थे और लोग भी थे, और आज भी आप लोग जो सुझाव प्राप्त हुए उसके आधार पर हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि सारी तैयारी चुस्त दुरुस्त हो, जितना फोर्स मजिस्ट्रेट की ज़रूरत होगी उतना व्यवस्था किया जाएगा। बिजली के एसपीओ से मैंने बात किया है, उन्होंने कहा है कि वो बिजली देंगे, बिजली काटा नहीं जाएगा। और इनफैक्ट मैंने उनको ये भी कहा है कि आप अपने कर्मी को, जो भी आपके लाइनमैन हैं, मैकेनिक हैं, उनको आप ड्यूटी पर लगा के रखिए सारी रात। एक रात की बात है, अगर कहीं लगता है कि कहीं कोई आपको दिक्कत समझ में आ रहा है तो वहाँ तुरंत भी निर्णय लिया जाएगा उस पर, लेकिन बिजली को पूरा काट नहीं देना है, उससे प्रॉब्लम हो जाती है जैसा लोग बता रहे हैं। एम्बुलेंस का बात है तो एम्बुलेंस आपका जोगी चौक पे एक रहेगा कंटिन्यू, अगर कहीं कोई इस तरीके की भगवान न करे कोई घटना दुर्घटना हो, लेकिन फिर भी एक प्रिकॉशन के रूप में यहाँ पे रहेगा। मेडिकल टीम भी उसके साथ रहेगी, और एक ब्रीफ उसको चाहेंगे कि पेपर में दे दें ताकि सब लोग उससे अवगत हो जाए। सब जिस रूट में गाड़ियाँ नहीं जाएगी वो लोग खुद नहीं जाएंगे, पहले से रहेंगे अवेयर, बाद में होगा कि एक बार सारी गाड़ियाँ आ रही है तो उसको फिर से टर्न करना मुश्किल होगा, रोकने में फिर प्रशासन को पुलिस को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तो वो हम लोग करवा लेंगे।